तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ई और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, उनके बीच में वही रिलेशन होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स एफ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में होता है, राइट। और मैंने बताया था कि वो तुम्हें लेक्चर 55, 59 और 60 में भी मिल जाएगा, तो उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें वी को ई में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल वही चीज रिपीट होंगे। पहली बात तो डिफरेंशिएशन होता है इसमें, दूसरी बात अगर वन वेरिएबल हो तो फिर सिंपल डिफरेंशिएशन, और अगर मोर देन वन वेरिएबल्स हो तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। फोर्थ, अब बात आती है हम फॉर्मूले कौन से यूज करेंगे। अगर वन वेरिएबल हो तो तुम्हें याद है E इक्वल टू इस टाइप से लिखा था मैंने, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स या माइनस डी वी अपॉन डी आर या माइनस स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ और या फिर माइनस स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। बताओ क्लियर है या नहीं है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आ रहा है बताओ, ये सारी चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। जो है नहीं है, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे ई की जगह बस वी हो जाता था और वी की जगह मतलब ई की जगह एफ हो जाता था और वी की जगह यू हो जाता था, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, मोर देन वन, तो उसमें फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से चलता था, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जी कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड की कैप, ये था बस, हो गया ये। और एक चीज तुम्हें और याद होगी कि जब हम वन वेरिएबल लेते थे वो नॉर्मली फिर हम वन डी की बात करते थे ना, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल लेते थे तो फिर हम 2D लेते थे या 3D कह लो, और या फिर पूरा स्पेस कवर होता था, क्यों क्या। अब यहां पे ना एक छोटी सी बात है, उस समय मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, वो देखो क्या है कि ग्रेविटेशन कोई बात नहीं बेटा, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
इसमें क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हमारे पास पॉइंट मास होता है या फिर स्फेरिकल बॉडी होती है सिस्टम में। अब स्फेरिकल बॉडी हॉलो भी हो सकती है और स्फेरिकल बॉडी सॉलिड भी हो सकती है, ध्यान रखना। ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या होता है, या तो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज होगा या फिर सॉलिड स्फीयर होगा, मतलब वो मास का भी बना हो सकता है चार्ज का भी बना सकता है, या फिर हॉलो स्फीयर होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो स्पेस है, होल स्पेस, ये एक सिंगल वेरिएबल से कवर हो जाता है, आर से। और यहाँ पे ये जो आर है वो यहाँ से डिस्टेंस है बस, क्योंकि ये कह लो जैसे ये है, ये पी पॉइंट है, मान लो ये आर हो गया, उसी टाइप से मान लो पी पॉइंट ये है, तो अब आर हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो पी पॉइंट है तो आर अब के सेंटर से ले लेंगे। कुछ समझ में आ रही बात, क्या कह रहा हूं मैं ये बताओ। मिहिका, गोपी, कुछ समझ में आ रहा है कि जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसको कवर करने के लिए, वैसे हमें देखा जाए तो तीन वेरिएबल चाहिए होते थे ना, एक्स वाई और जेड, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो सिस्टम ऑफ मास होगा या सिस्टम ऑफ चार्ज होगा वो या तो एक पॉइंट मास पॉइंट चार्ज होगा या फिर स्फेरिकल टाइप का होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कई बार एक ही वेरिएबल आर से पूरा स्पेस कवर कर देते हैं, और वो आर क्या है बताओ, जो है वो आर या तो यहां से डिस्टेंस है, और अगर वो स्फेरिकल बॉडी है तो फिर सेंटर से डिस्टेंस है, बस ये कर देते हैं। अच्छा, इन केसेस में क्या होता है कि जो ई की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ ई, वो या तो इनवर्स आती है, और या फिर आउटवर्ड्स आती है, बस केवल दो ही डायरेक्शंस ई की पॉसिबल है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर है, तो ई की या तो इधर को डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स, और या फिर इधर को डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। अब अगर ई आउटवर्ड्स है तो पॉजिटिव आएगा तुम्हारा आंसर, वो पॉजिटिव का मतलब ई आउटवर्ड्स हो गया, और अगर इनवर्ट्स है तो इसका मतलब ई की वैल्यू नेगेटिव होगी। मैं कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं बेटा, ये बताओ, एक बार दोबारा सुन लो क्या है। मेरी साउंड नहीं आ रही क्या गोपी, मेरी साउंड आ रही है नहीं आ रही है, तो फिर ये कैसे कह रहा है जो है कि साउंड नहीं आ रही है तुम्हारे बेटा, माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी ना इसको अपलोड करने में एक काम करना, आशीष उनको बोलना, आशीष भैया को बोलना कि मैं कैसे ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख सकता हूँ, ठीक है, ये लेक्चर कैसे रिकॉर्डेड देख सकता हूँ, एक बार उनसे देख लेना बेटा जो है। मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए हैं, अभी मेरे कंप्यूटर में सेव हो रहे हैं, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए, वो बताएंगे। अच्छा सुन ले रहे, अब एक बार दोबारा सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि पूरा स्पेस कवर करने के लिए, ठीक है ना, पूरे का पूरा स्पेस कवर करने के लिए आपको तीन वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड चाहिए होते हैं, लेकिन
ग्रेविटेशन में जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होगा, या तो देखो पॉइंट मास होगा या पॉइंट चार्ज होगा, स्फेरिकल बॉडी होगी जिसमें मास हो या स्फेरिकल बॉडी होगी जिसमें चार्ज हो। अब वो स्फेरिकल सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में पूरे का पूरा स्पेस केवल एक वेरिएबल से कवर हो जाता है, स्मॉल आर से। और मैंने फिगर में तुम्हें दिखा दिया कि आर क्या चीज है। अब एक इसमें और इंटरेस्टिंग बात है कि ई तुम जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सारे केसेस में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ई या तो इनवर्ड्स होता है और या फिर ई आउटवर्ड्स होता है। ठीक, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फिर ई आउटवर्ड्स आएगा, और अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर ई क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, बस हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, हाँ जैसे मैंने तुमसे कहा अलोंग एक्स एक्सिस, वहां भी आते थे, तुम्हें याद होगा, केवल मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हें वी दिया हुआ है 4x2, ई तुम्हें निकालना है एट एक्स इक्वल टू 2 मान लो। ये वहां भी किए थे हमने, एग्जाम्पल याद होगा। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ई की जो वैल्यू होगी वो माइनस डीवी बाई डीएक्स होगी, और जब डीवी अपॉन डीएक्स करोगे तो जरा देखना -8x आ गया ना, क्यों गोपी, ये हो गया। अब E एट x इक्वल टू 2 कितना आ गया बता, जो है -16 आ गया, क्यों, न्यूटन पर केजी, कल मैंने यूनिट बताई थी ना, इतनी होगी, क्यों, -16 न्यूटन पर केजी। इसका मतलब बता सकता है, इसका क्या मतलब है, -16 न्यूटन पर केजी का मतलब क्या है। अबे उल्लू, वो तो आर के चक उसमें होगा, जब आर दिया होगा इसका, ये तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हाँ एट एक्स इक्वल टू 2 ई की जो वैल्यू है वो 16 न्यूटन पर केजी है, लेकिन किधर को बताओ, जो है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, जो है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस ई की इतनी वैल्यू है। या तो इसको ऐसे भी कह सकता है, और एक्स इक्वल टू 2 पे अगर यूनिट मास रखा हुआ है, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 2 पे अगर यूनिट मास रखा हुआ है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बता कितना लगेगा। हाँ, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा 16 न्यूटन, क्यों, लेकिन किधर को बता, जो है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। मेहका बता, समझ में आई बेटा, बात नहीं आई बता, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बता, जो है ये हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, इस टाइप के एग्जांपल्स वहां पे किए थे हमने, तुम्हें याद होगा। अगेन वही अलोंग एक्स एक्सिस है, 1D की बात चल रही है।
तुम्हें वी वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, और वी मैंने कहा था जूल पर केजी होगा वी की यूनिट, और एक्स यहाँ पे मीटर में हो गया, मान लो इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। -10, 2, 6, 10, 12, 20, और इसका तुम्हें ई एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, इस टाइप के ग्राफ भी हम कई बार ड्रॉ कर चुके हैं ना, तुम्हें याद होगा। तो मैंने बताया था ना ई की वैल्यू माइनस स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ थी, क्यों? तो उसी को मैं यूज करूंगा बस, हो गया, क्यों? अब देखो, 0 से लेके 6 तक ये एक ही लाइन है ना? नहीं, बताओ, एक ही लाइन तो है, तो स्लोप तुम्हें दिख रहा होगा प्लस में, क्यों? और वो कितना लिख सकता हूं मैं, सीधे सीधे ये अपॉन ये कर सकता हूं, क्यों? ये अपॉन ये, तो इसका मतलब 20/4, तो +5 हो गया। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो -5 जूल पर केजी, सॉरी न्यूटन पर केजी। जरा इसका इरेजर भी यूज कर लेता हूँ, कैसे होता है। ठीक, आ गया। न्यूटन पर केजी आ गया, क्यों? ये हो गया। और उसके बाद तुम्हें लग रहा होगा 6 से लेकर 10 तक स्लोप 0 है, इसका मतलब E0 आ गया। और लास्ट में तुम्हें 10 से लेकर 12 तक, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं ना गोपी हमने, क्यों? स्लोप तुम्हें नेगेटिव दिख रहा होगा, और नेगेटिव में कितना हो जाएगा, फिर तुम ये अपॉन ये कर देना, क्यों? तो 20/2, तो -10, इसका मतलब जो ई की वैल्यू आ गई वो आ गई, उल्टा हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, +10 न्यूटन पर केजी। ये हो गया। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ई है, ये एक्स है, पहले -5, फिर 0, और फिर +10। जीरो से 6, 6 से 10 और 10 से 12। मिहिका बता बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना? ये भी हम कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से देखना। सॉलिड स्फीयर, इसका मास m है और रेडियस r है,
और एक मैं इसमें वेरिएबल ला रहा हूं स्मॉल आर, और तुम्हें याद होगा ये वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होती है ना, नहीं है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मैंने व्हाट्सएप खोला नहीं था, अभी जस्ट खोला तो देखा टास्क 437। चल कोई बात नहीं, वैसे ये वही चल रहा है जैसे जो है ना, जो हमने पहले किया हुआ है, वी को ई में कन्वर्ट कर रहे हैं हम बेसिकली। ये काफी हद तक वैसी है जैसे यू को एफ में कन्वर्ट करना होता है, समझ गए ना? वो कर रहे हैं हम, जैसे वी को ई में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स में कन्वर्ट करते थे, ये कह लीजिए। आगे मेरे ख्याल से पकड़ लेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ कि यहाँ पे वेरिएबल जो हम लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेते हैं ना गोपी, क्यों डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेते हैं ना यहाँ पे? ये हो गया। अब देखो इसको हम दो पॉइंट्स पे वो कर सकते हैं ना, एक तो इनसाइड पॉइंट्स पे, ये बताओ इनसाइड पॉइंट्स पे जो स्मॉल आर होगा वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर होगा ना, मतलब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, क्यों? इनसाइड पॉइंट्स पे ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर, और आउटसाइड पॉइंट्स पे ये आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगी। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया ये, क्योंकि अब आगे भी बहुत यूज होना है। एक सॉलिड स्फीयर हो गया जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस आर, और वेरिएबल हो गया स्मॉल आर, और वो मैंने तुमसे कहा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगी। तो इस स्फीयर को मैंने दो रीजन्स में डिवाइड कर लिया, इनसाइड पॉइंट्स और आउटसाइड पॉइंट्स, ठीक है? इनसाइड पे आर लेस देन इक्वल टू आर कैपिटल आर, और आउटसाइड के लिए ये हो गया। अब मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि जो इनसाइड पॉइंट्स होते हैं इनसाइड पॉइंट्स, इस पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि जो वी का फॉर्मूला आता है ना वो ये आता है, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। अब तुम्हें निकालना है कि E का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, ये फाइंड करना है इसमें E का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक? तो अब देखो मैंने तुमसे कहा ना E की जो वैल्यू होगी वो तुम्हें सिर्फ माइनस dV अपॉन dr करनी है, बस हो गया। क्यों गोपी बता, E की वैल्यू तुम्हें सिंपली माइनस dV अपॉन dr करनी है कि नहीं करनी, बताओ जो है। अब लेकिन इसमें ये ध्यान रखना वेरिएबल क्या हो गया बताओ, वेरिएबल एक तो ये v हो गया और ये r हो गया, वेरिएबल सिर्फ ये दो वेरिएबल हैं, बाकी तो सब कांस्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना बाकी सब कांस्टेंट है। तो जरा देखना उसको डिफ्रेंशिएट करके देखना ये फॉर्मूला इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख जरा माइनस डीवी अपॉन डी आर करके देख, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता जो है। गोपी भैया देख जरा, वेरिएबल सिर्फ वी और आर हैं इसमें, बाकी तो सब कांस्टेंट है। वेरिएबल्स क्या हैं, वी है और आर है, ये देख जरा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता। माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ रहा होगा, ट्राई करके देख लेना इसको,
ये आएगा, ठीक है। अब ये बता कि यहाँ पे माइनस साइन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, अब किसके लिए यूज हो रहा है बता, अब यहाँ पे माइनस साइन किसके लिए यूज हो रहा है बता जो। हाँ अब ये इनवर्स के लिए यूज हो रहा है। मी का समझ में आई बेटा बात, ये बता जो है। अब ये जो माइनस साइन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, इनवर्स के लिए हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही सॉलिड स्पेयर था, ध्यान से देखना, ये सॉलिड स्पेयर था, अगर मैं यहां से आर डिस्टेंस पे जाता तो ई की वैल्यू, ई की डायरेक्शन अंदर आती बेटा जो है, ये होती है, ये ई की डायरेक्शन आती। और इसकी वैल्यू कितनी आती वैसे बाय द वे, इसकी वैल्यू आती जी एम ओवर आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आती। गोपी बता ये समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, कि अगर मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर आर डिस्टेंस पे जाता, मान ले नहीं है, अगर मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर आर डिस्टेंस पे जाता तो क्या होता, तो एक तो सेंटर की तरफ होती और उसकी वैल्यू ये आती। उज्जवल बता समझ में आया, यस सर। आ गया ना। तो ये तो मैंने एक वेरिएबल के लिए वो किया, ठीक है। अब करते हैं एक से ज्यादा वेरिएबल अगर हो, मोर देन वन वेरिएबल्स। ये काफी हद तक वैसे ही लग रहा होगा जैसे वहां पे हमने किया था, तुम्हें याद होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी होती थी, वही वाले रिलेशन तो आ रहे हैं सारे के सारे। मान लो V एट एक्स वाई जेड तुम्हें कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड, और तुम्हें E निकालना है एट कुछ भी, मान लो 1 2 3 निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले हम E एट एक्स वाई जेड फाइंड कर लेते हैं, क्यों। E एट एक्स वाई जेड फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो ये कुछ ऐसे नहीं होगा, माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम्हें याद होगा मेरे ख्याल से, कि जब मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स कह रहा हूं तो वाई को, फिर वाई और जेड को कांस्टेंट मानूंगा, और डेल वी अपॉन डेल वाई में मैं एक्स और जेड को कांस्टेंट मानूंगा ना, तो फिर ये कितना आ गया बता दीजिए। ये आ गया माइनस, ये लगा दिया डेल वी अपॉन डेल एक्स किया है मैंने, 2xy आई कैप, अब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड जी कैप, अब जेड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, प्लस वाई के कैप। डिफरेंशिएशन क्लियर है मिही का, मी का बता बेटा, डिफरेंशिएशन क्लियर है। एक्स के रेस्पेक्ट में पहले किया, फिर वाई के रेस्पेक्ट में किया, फिर जेड के रेस्पेक्ट में किया, क्यों। अब लेकिन हमें ई निकालना कहाँ पर था, 1 2 3 पे निकालना था ना, इसके ऊपर वेक्टर भी लगा देते हैं बेटर रहेगा। अब यहाँ पे रख दो, बस हो गया, पुट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू। उज्जवल बता कोई डाउट है इसमें, बता उज्जवल सर ये पाथ इंडिपेंडेंट होता कौन सा वाला बेटा। है सर? जैसे इक्वेशन है तो अगर ये पाथ डिपेंड करती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, तू थोड़ा सा गलत कर रहा है जो है, थोड़ा सा तेरे को गलत कंफ्यूजन हो रहा है। वो जो पाथ इंडिपेंडेंट होता था ना, वहां पे वो वर्क होता था बेटा जो है, समझ गया, वहां पे क्या होता था, वर्क होता था ना,
पाथ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ई यस को तू क्या कहेगा पाथ इंडिपेंडेंट, ये तो कोई बात नहीं बनी ना जो है। ई तो किसी एक पॉइंट पे होगा ना भाई, अब पी पॉइंट पे ई की वैल्यू कुछ और होगी, क्यू पॉइंट पे ई की वैल्यू कुछ और होगी, तो अब उसको तो पाथ इंडिपेंडेंट क्या कहेगा। वो तो ये होगा कि अगर मैं पी से क्यू तक जा रहा हूँ उसमें जो वर्क हो रहा है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो एक अलग सेंटेंस हो गया। क्यों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों, यस सर ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा ना बेटा जो है। तो ये तो हो गया वी को ई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं उल्टा, ये वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार दोबारा से रिपीट होगा, बिल्कुल सेम चीज चल रही है। वी को ई को वी में कन्वर्ट करना, इसमें फिर इंटीग्रेशन होगा। सेकेंड इंटीग्रेशन में लेकिन तुम जानते हो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, हमेशा ही मैं बताता हूं तुम्हें, सी आता है ठीक। तीसरा, अब सी को फाइंड करने के लिए कुछ लिमिट चाहिए होती है। क्यों, लिमिट्स रिक्वायर्ड और लिमिट का मतलब क्या है वो चीज ध्यान रखना। हम वी निकालने जा रहे हैं बेटा जो है, वी निकालने जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ वी, वैल्यू ऑफ वी एट सम पॉइंट शुड बी नोन। क्यों, इसका यही तो मतलब हुआ कि किसी पॉइंट पे तुम्हें वैल्यू ऑफ वी पता होनी चाहिए ना, ये हो गया कहलो जो है। अब चौथी बात, अब मैं तुम्हें दो स्टैंडर्ड लिमिट्स दे रहा हूं जिसको तुम यूज कर सकते हो, टू स्टैंडर्ड लिमिट्स। Which can be used. अगर तुम्हें क्वेश्चन में नहीं भी दे रखी है ना तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट, वी एट इन्फिनिटी, इसको तुम जीरो ले सकते हो। इन्फिनिटी पे तो वैसे भी तुम मान के चलना सभी चीज जीरो होती है ना, फोर्स भी जीरो होगा, ई भी जीरो होगा, वी भी जीरो होगा, सब कुछ जीरो होगा। तो एक तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गई। दूसरा, ये थोड़ी सी तुम्हारे लिए नई होगी, ये क्या है देखो, जैसे मान लो ये सॉलिड स्फीयर है या हॉलो भी हो तब भी चलेगा, और इनका मास तो है एम और इसकी रेडियस है आर, तो इनके सरफेस में इसका मतलब जहां पे आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी वहां पे वी की वैल्यू माइनस जी एम ओवर आर ये आती है, तो इसको भी तुम यूज कर सकते हो। उज्जवल समझ में आया बेटा कि इंटीग्रेशन में तुम्हें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसके लिए तुम्हें लिमिट चाहिए होती है, और लिमिट का मतलब यह है कि जो चीज तुम निकालने जा रहे हो उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर नोन होनी चाहिए। तो मैंने तुमसे कहा कि दो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो, एक तो इन्फिनिटी पे वी की वैल्यू जीरो, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि सॉलिड स्फीयर है या फिर हॉलो स्फीयर है उसके सरफेस में वी की वैल्यू हम जानते हैं वो माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर होती है, इस लिमिट को भी तुम यूज कर सकते हो। गोपी एंड मिहिका,
बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ। दो स्टैंडर्ड लिमिट समझ में आई कि नहीं आई? इसको अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा, ये समझ में आई कि नहीं आई बताओ। जो है इन्फिनिटी पे वी की वैल्यू 0 और सॉलिड या हॉलो स्फीयर की सरफेस में ई की वैल्यू, ठीक, ई की वैल्यू सॉरी वी की वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर होगी। कैपिटल। अब चलते हैं फिफ्थ। अब फॉर्मूला हम या क्या यूज करेंगे? अगर एक वेरिएबल है तो फिर सीधे तुम डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर कर लेना बस। और ये ई तुम्हें दीवन हुआ, ध्यान रखना। या तुम माइनस ई डी एक्स भी कर सकते हो। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, मोर देन वन, तो फिर तुम डी बी की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर कर सकते हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? याद आ रहा है उज्जवल? डी बी की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर कर सकते हो। ये हो गया। यस सर। अब इसमें से तुम्हें ई तो गिवन होगा, क्यों? ई तो गिवन होगा और डी आर एक स्टैंडर्ड वेक्टर होता है ना, वहां पे बताया था मैंने तुम्हें, याद होगा, स्टैंडर्ड वेक्टर होता है। और इसको तुम क्या लिख सकते हो? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। गोपी भैया बता, समझ में आया कि नहीं आया तेरे? क्लियर है ना? अब जरा एग्जांपल कर लेते हैं इसके। देख, एक पॉइंट मास है, हाँ, इससे आर डिस्टेंस पे ई की जो वैल्यू है वो जी एम ओवर आर स्क्वायर होती है। मैं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? ये आर स्क्वायर होती है और ये मान लो ओ है, ये टुवर्ड्स ओ है, ये तुम्हें गिवन है एक्चुअल में। तो तुम्हें वी निकालना है बस। वो भी ये क्वेश्चन है। आप सुनो, इसमें कलर बहुत अच्छे अच्छे हैं इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा कलर लूँ। देख, मैंने ये बोला था ना डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर करना है बस। लेकिन ई की वैल्यू इतनी है और टुवर्ड्स ओ है, तो एक बार बताओ ई को मैं यहां पे माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखूंगा, बताओ क्लियर है या नहीं है? मी का पता बेटा जो है, मैंने क्वेश्चन में दे रखा कि ई की वैल्यू जी एम ओवर आर स्क्वायर होती है और वो टुवर्ड्स ओ है, तो इसका मतलब ई को मैं कितना लिखूंगा बताओ? माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर लिखूंगा, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, क्यों? तो ये आ गया जी एम ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर, या फिर तुम कह सकते हो जी एम आर की पावर माइनस टू इंटू डी आर। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं।
तो ये बताओ डीवी का इंटीग्रेशन बनेगा वी इक्वल टू आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन, आर की पावर -1/-1 होगा, बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा जरा बताओ, आर की पावर -1/-1 होगा ना, तो इसका मतलब ये -gm/r होगा प्लस सी, बता गोपी समझ में आया कि नहीं आया, ये बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है बी का ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अब बात आती है कि सी कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने ये नहीं बताया था कि एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी वी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्यों एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी वी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया बता जो है, देयरफॉर सी की वैल्यू 0 आ गई बस हो गया जो है, तो जरा देखना फाइनली बी का एक्सप्रेशन कितना आ गया, -gm/r आ गया बस हो गया। उज्जवल बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस क्लियर हो गया ना। अच्छा इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लेते हैं, देखो मान लो मैं ये करता हूं dv/dr करके देखता हूं, जरा देख तो जरा देखना dv/dr करके देख, gm/r² आ रहा होगा, देख करके देखो जरा dv/dr करके देख, जी ये आ रहा होगा, यस सर ये आ गया ना, तो इसका मतलब e की वैल्यू कितनी हो गई, e की वैल्यू -dv/dr होगी ना, e की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी बता जो है, -dv/dr, तो ये कितनी आ गई बता जो है, ये आ गई -gm/r² आ गई, क्यों ये हो गई, और यही तो लिखा था मैंने यहाँ पे देख, गोपी समझ में आया बेटा, ये बता देख मैंने यही तो लिखा था कि नहीं लिखा था पता जो है, ये हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है, और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इसके जो इनसाइड पॉइंट्स होते हैं उसमें r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r होती है, क्यों, और तुम्हें याद है हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था अभी, e इक्वल टू gm/r³ इंटू स्मॉल r टुवर्ड सेंटर, ये निकाला था हमने, निकाला नहीं था v को इंटीग्रेट करके, v को डिफ्रेंशिएट करके, याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, देखो थोड़ी देर पहले निकाला था ना सॉलिड स्फीयर में, तुम्हें याद होगा इनसाइड पॉइंट्स के लिए, तो हमें v निकालना है बस, हो गया कितना होगा, मतलब उल्टा कर रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हमने v से e कन्वर्ट किया, अब मैं e से v निकाल रहा हूँ, ये कह लो, अब फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला ये था ना dv इक्वल टू -edr था, लेकिन ये वैल्यू टुवर्ड सेंटर है, तो मुझे E को क्या लिखना पड़ेगा जरा बताओ, ये वैल्यू टुवर्ड सेंटर है तो मुझे E को क्या लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा ना, नहीं है E को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो जब मैं E में नेगेटिव लगाऊंगा
तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बताओ, जो है जी एम अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर इंटू डी आर। मी का बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गया बताओ, माइनस से लगाया तो मैंने ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो ये बताओ, डीबी का इंटीग्रेशन वी बनेगा ना? नहीं है, डीबी का वी बनेगा, और आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आर स्क्वायर बाई टू होगा। क्यों आर स्क्वायर बाई टू होगा? तो ये हो गया जी एम अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू प्लस सी। बताओ उज्ज्वल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता? जो है ये हो गया जी एम अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो गया। क्यों ये हो गया? यस सर, अब बता सी कैसे निकलेगा? बता सी के लिए कुछ लिमिट तेरे को दिमाग में आ रही है? सरफेस वाली हाँ, बस ये मैंने बोला तो था सरफेस में, इसीलिए तो बोला था मैंने कि सरफेस में जो लिमिट्स होती हैं उसको यूज कर लेंगे। बस हम समझ गए ना, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है बेटा, ये बोला था ना, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, वी को मैंने कितना लिखने के लिए बोला था? माइनस जी एम ओवर आर, ये बोला था, माइनस भी बोला था ना, माइनस भी बोला था, माइनस जी एम ओवर आर। तो ये मैं तुम्हें होम असाइनमेंट दे दे रहा हूं, तुम सी की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है? इसको कर लेना जरूर, फाइंड सी एंड देन एफ, सॉरी देन वी। ये जरूर कर लेना, सी की वैल्यू निकालना और उसके बाद वी का एक्सप्रेशन निकालना, तो रिजल्ट क्या आएगा वो बता दे रहा हूं मैं। रिजल्ट आएगा वी की वैल्यू माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब 1.5 आर स्क्वायर। अभी लग रहा है ना तुम्हें, देखा हुआ कुछ देर पहले, क्यों? माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये कुछ देर पहले किया था कि नहीं किया था, गोभी बता? कुछ देर पहले किया था ना बेटा, ये माइनस जी एम ओवर आर क्यूब, ये कह दूंगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ई और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, उनमें वही रिलेशन होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स एफ और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में होता है। अगर मुझे वी को ई में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। अगर एक वेरिएबल है तो सिंपल डिफरेंशिएशन, एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और अगर मुझे ई को वी में कन्वर्ट करना है तो फिर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा सी, और उसके लिए कुछ लिमिट चाहिए होंगी, और लिमिट का मतलब यह है कि कहीं पे वी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और मैंने तुम्हें दो स्टैंडर्ड वी की लिमिट्स दे रखी है, एक तो इन्फिनिटी पे वी की वैल्यू जीरो रख लेना, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि सॉलिड स्पेयर हो या फिर हॉलो स्पेयर हो, उसकी सरफेस में वी की वैल्यू इतनी होगी, बस हो गया, ये होगी। ये मैंने तुम्हें ये दो लिमिट्स दे रखी हैं जिसको तुम यूज कर सकते हो, और वैसे ये सारी चीजें एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोबारा से रिपीट होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमने ई का वी में और वी का ई में रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है? अब थोड़ा उल्टा करते हैं कि भाई ई होती क्या चीज है, ठीक है? अब मैं ई को डिटेल में कर रहा हूं। सबसे पहली बात,
इसको मैंने कहा कि इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अलग अलग नाम दिए होंगे, ध्यान रखना बेटा, तीन नाम होते हैं इसका। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर ये पहला वाला है, ग्रेविटेशनल फील्ड कह देता हूँ। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होगी वो मैं पहले ही बता चुका हूं, न्यूटन पर केजी होगी। तीसरी बात, इसको हम किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करते हैं ये भी मैं पहले बता चुका हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास क्यों? ये हो गया। इसका मतलब ई को मैं एफ अपॉन एम कह सकता हूं। क्यों गोपी बता? सर एक सेकेंड नोट कर सकते हैं लास्ट पे। एक सेकेंड ले। अब बता देना जब नोट कर लेगा। यस सर डन। कर लिए ना? यस सर। तो अब ये बता, इक्वल टू एफ बाई एम आ गया कि नहीं आ गया? बता जो है इक्वल टू एफ बाई एम आ गया। या फिर अगर मुझे कहीं पे एफ निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको तू एम टाइम्स ई भी कह सकता है, ध्यान रखना। अब लेकिन यहां पे ना तेरे को एक थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, तू कहेगा कि एफ बाई एम को तो हम जी भी लिखते हैं, क्यों? ये यस सर। बताइए, ये नहीं बता जो है, ये जी भी तो लिखते हैं, या मैं वहां पे एफ इक्वल टू एम जी लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? बता जो है, यस सर। तो फिर तेरे दिमाग में आ सकता है फिर जी और ई में क्या डिफरेंस है भाई? तेरे दिमाग में यही तो आ सकता है कि डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही चीज तो है। तो मेरे हिसाब से ना कोई डिफरेंस नहीं है बेटा जी। अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू गोपी कह देता हूं, खाली कल को मेरे को कोई कोर्ट में ले गया तो नो डिफरेंस। मैं तो गोपी को आगे कर दूंगा, इसने कहा था। लेकिन हमने क्या है कि ना
कुछ जबरदस्ती के डिफरेंस बना दिए ताकि दोनों को अलग अलग जो है हम वो कर सकें। तो मैं यहाँ पे जबरदस्ती के कुछ डिफरेंस बना दे रहा हूँ, क्या है बेटा जो देखो, ई और जी। ई की यूनिट को नॉर्मली हम न्यूटन पर केजी लिख लेते हैं और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं ताकि दोनों में अलग अलग समझ में आ जाए। गोपी समझ में आ रहा है बेटा जो है, ताकि समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं जो है। ई को मैं न्यूटन पर केजी से कर दूंगा, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर दूंगा, ठीक है। एक चीज और, ई ना एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म। हाँ अब तेरे समझ में आ गया होगा, जनरल टर्म का मतलब हो गया जैसे पॉइंट मास के लिए भी डिफाइंड हो जाएगा, पॉइंट मास के लिए भी तुम कह सकते हो। रिंग के लिए भी डिफाइन करूंगा मैं ई को, और मैं सॉलिड स्फीयर के लिए भी डिफाइन करूंगा। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, और मैं हॉलो स्फीयर के लिए भी डिफाइन करूंगा एंड सो ऑन। लेकिन जी नॉर्मली केवल किसके लिए डिफाइंड होता है बेटा ये बताओ, जो है जी ज्यादातर हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, या तो अर्थ के लिए या एट द मोस्ट प्लेनेट के लिए कह लो। उज्जवल बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बता बात बता जो है। यस सर, एक डिफरेंस तो ये हो गया, दूसरा डिफरेंस ये हो गया कहले जो है, ठीक है। और तीसरा एक और है थोड़ा सा, ये जबरदस्ती के किए हुए लेकिन डिफरेंस ये ध्यान रखना। ई को नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, फंक्शन ऑफ आर करते हैं। अभी जो भी मैं ई के एक्सप्रेशन दे रहा था वो फंक्शन ऑफ आर थे या नहीं थे बताओ, ये बता। यस सर, ई क्या था, फंक्शन ऑफ आर था कहले जो है। लेकिन यहां पे जो जी होता है ये तेरे को याद होगा फंक्शन ऑफ एच या डी लिखा था मैंने, एच का मतलब हाइट और डी का मतलब डेप्थ कह लीजिए। क्यों, तो वहां पे मैंने जो जी का एक्सप्रेशन दिया था वो नॉर्मली या तो एच के साथ देता हूँ या डी के साथ देता हूँ, और ई के एक्सप्रेशन हम नॉर्मली किसके साथ लिखते हैं बताओ जो है, वो आर के साथ लिखते हैं बस। हो ये जबरदस्ती के डिफरेंस क्रिएट किए हैं, अदरवाइज मैं आगे चल के तुम्हें दिखाऊंगा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। न्यूमेरिकली देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बताओ फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है, फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। किसी भी पॉइंट सो पर क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, बस हो गया। और वो काफी हद तक वही है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ करता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशंस और ग्राफ्स लिख रहा हूँ। कुछ अलग अलग सिस्टम ऑफ मासेस के, ठीक है, एक्सप्रेशंस एंड ग्राफ्स। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट मास में, एक बात बताओ, ये एम मास था, इससे आर डिस्टेंस पे मैंने जो ई की वैल्यू बोली थी वो कितनी बोली थी, कुछ समय पहले बोली थी ना मेरे ख्याल से जी एम ओवर आर स्क्वायर बोली थी, याद है, ये बोली थी। क्यों, और ये टुवर्ड्स मास होती है, इधर को होगी, और वैसे भी एक बात बता कि यहां पे अगर मैं यूनिट मास को रखता मान ले, तो
ये बता कि इस यूनिट मास पे, ये वाला मास इधर ही को तो फोर्स लगाता ना, बता। समझ में आया बेटा? इस यूनिट मास पे ये वाला जो मास है ये इधर ही को तो फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स अप्लाई करेगा जरा बता। जी एम यूनिट मास अपॉन आर स्क्वायर, बता क्लियर है या नहीं है गोपी भैया? बताओ क्लियर है कि नहीं, बता। जो है इतना वो करेगा, तो यही ई हो गया, बस हो गया। यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है वही तो ई होता है या नहीं होता, बता। जो है ये हो गया। उज्जवल बता क्लियर हुआ? ई की वैल्यू कितनी होगी? जी एम ओवर आर यस स्क्वायर सर, होगी, और वो फोर्स किधर को होगी? टुवर्ड्स द मास होगी। क्यों? टुवर्ड्स द मास होगी, ये कह रहे थे। और वैसे मैंने बता दिया कि ई एक्चुअल में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होता है। अच्छा, यहां से एक चीज देखो कि जो ई है ये प्रोपोर्शनल टू वन अपन आर स्क्वायर है ना, तो क्या ई वर्सेस आर ग्राफ पैराबोला होगा, बता। ई वर्सेस आर ग्राफ क्या पैराबोला होगा? ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर है। अबे उल्लू गधा, अगर ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता तब वो पैराबोला होता, इस केस में वो पैराबोला होता। ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होगा। यस सर, ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर ये इस टाइप का होगा, समझ में आया? इस टाइप का होगा, और ये टाइप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हुआ करती थी। क्यों? ये गैले जो है। और वैसे भी एक सिंपल सी बात देखना, ये बता कि अगर आर मैं टेंडिंग टू जीरो करूंगा तो जरा देखना ई टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा, पता। आर टेंडिंग टू जीरो करूंगा तो ई टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और अगर मैं आर टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा तो ई टेंडिंग टू जीरो होगा। क्यों ये होगा? तो इन दोनों को कौन सेटिस्फाई करेगा जरा बता। जो है इन दोनों कंडीशंस को कौन सेटिस्फाई करेगा, बता। जो है ये कुछ ऐसे सेटिस्फाई होगा ना, ये ई हो गया, ये आर आ गया, ये इस टाइप से हो गया। सर जैसा जी का ग्राफ था या फिर ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, लेकिन जी का यहाँ पे इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैंने वहां पे ना पॉइंट मास के लिए तुम्हें जी नहीं बताया था एक्चुअल में, पॉइंट मास के लिए थोड़ी बताया था जी, यस सर, वहां तो अर्थ का लिए जी बताया था ना बेटा। जो है अर्थ और एक बड़ी बॉडी होती है ना, अर्थ पॉइंट मास थोड़ी होता है। जो है ये कह रहे। जो है अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ना, इसमें जो ई है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन यहां से आएगी ना, वो किधर को है बता। जो है वो टूवर्ड्स क्या है बता, जो है टूवर्ड्स द मास है। जो है ये भी है। जो है एक जैसे फिगर बनाता हूँ तब तेरे और समझ में आ जाएगा, देखा। इसके बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बता कि अगर मास यहां पर रखा हुआ है एम, और इसके मैं राइट हैंड साइड पे हूं, ई की डायरेक्शन इधर को होगी, बता क्लियर है कि नहीं है? ई की डायरेक्शन ये होगी, और अगर मैं इसके ई के लेफ्ट हैंड साइड में हूं तो ई की डायरेक्शन इधर को होगी, बता। टूवर्ड्स द मास होती है ना, मेका बता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये बता जो है, कहीं भी जो ई की डायरेक्शन होती है क्या होती है? टुवर्ड्स द मास होती है।
तो इसका मतलब अगर मास के मैं राइट हैंड साइड में हूं तो वो टुवर्ड द मास होगी, मतलब लेफ्ट साइड में होगी, और जब मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में हूं तो टुवर्ड द मास मतलब राइट हैंड साइड होगी। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं देखो, जो है ना नॉर्मली हमारी कन्वेंशन ये होती है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब जब मैं राइट हैंड साइड में हूं तो ई की वैल्यू निगेटिव आ रही है, और जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो ई की वैल्यू प्लस में आ रही है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ये बताओ कि अगर मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करूं ई वर्सेस आर, तो देखो ये ऐसे बनेगा, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, अब बताओ। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ गोपी, बता बेटा ये समझ में आई बात नहीं आई, कि मास के राइट हैंड साइड में ई इधर को होगा और लेफ्ट हैंड साइड में ई इधर को होगा, और दोनों तरफ जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होगा, क्यों? और अगर तुम्हें किसी बुक में केवल ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये ई है ये आर है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ई किसकी बात कर रहा हो, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। उज्जवल ये बताइए तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताइए, मैं अगर प्रॉपर यस साइन के साथ करूं तो फिर ये ग्राफ बनेगा, समझ गए ना, अगर मैं प्रॉपर साइन की बात करूं तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो फिर ये ग्राफ बनेगा, लेकिन ज्यादातर बुक्स में तुम्हें यही वाला ग्राफ मिलेगा, सेकंड वाला ग्राफ मिलेगा बेटा ज्यादातर बुक्स में, ये कहते हैं इसको। वैसे थोड़ा और डिटेल करता हूँ देखो तब क्लियर होगा तुम्हें, जैसे ये मास था, हाँ अगर मैं यहां पर हूं तो ई की वैल्यू इधर को आएगी, अगर मैं यहां पे हूं तो ई की वैल्यू इधर को आएगी। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं यहां पे हूं तो फिर ई की वैल्यू इधर को आएगी, और अगर मैं यहां पे हूं तो फिर ई की डायरेक्शन इधर को आएगी, बस ये हो गया क्या। लेकिन अभी मैंने ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ किया था, ये वाला और ये वाले में किया था बस, क्यों? पीछे जो ग्राफ ड्रॉ किया था इसके बीच में ड्रॉ किया था, और जो वैल्यू है वो मैंने तुम्हें बताई दिया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बिल्कुल क्लियर है गोपी, बता इसमें कोई डाउट है कि ई की जो वैल्यू है वो जीएम अपन आर स्क्वायर है और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द मास। अब चलते हैं दूसरा सिस्टम सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इसका मास तो है एम और रेडियस है आर। सबसे पहली बात इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, इनसाइड इसका मतलब आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, और आउटसाइड आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, एक तो ये हो गया ठीक है। दूसरी बात इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होगी, हाँ ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर,
अच्छा ये तुम्हें लॉजिकल भी लग रहा होगा ना, जैसे सॉलिड स्फीयर है देख, यहां पे अगर मैं यूनिट मास को रखूं तो बता इस पे फोर्स किधर को लगेगा, वो भी जरा बता। अगर इसमें मैं यहां पे यूनिट मास रखूं बेटा जो, तो इस पे फोर्स किधर को आएगा बता, फोर्स सेंटर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा बता जो है। हाँ फोर्स इसमें सेंटर की यस तरफ आएगा, तो इसका मतलब ई की वैल्यू भी किधर को आएगी बता जो है, ई की वैल्यू भी सेंटर की तरफ आएगी। समझ में आ गया होगा ना क्या कह रहा हूं मैं, क्यों ये हो गया। और एक बात बता, अंदर में अगर किसी पॉइंट पे मान लो यहां पे यूनिट मास रखता हूं, मान ले अगर मैं यहां पे यूनिट मास रखता हूं तो इस पे भी तो जो फोर्स आएगा वो टुवर्ड सेंटर आएगा, क्यों? तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ई भी किधर को आएगा बता जो है, ई भी इधर ही को आएगा, बस हो गया। मी का पॉइंट क्लियर है बेटा, ये बता जो है कि अल्टीमेटली जो ई है वो याद रखना, डेफिनेशन क्या चीज है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, यूनिट मास में जितना फोर्स लगेगा जिधर को लगेगा, समझ गए ना, यूनिट मास में जितना भी फोर्स लगेगा जिधर को लगेगा वो ई की डायरेक्शन होगी, बस हो गया ये कह रहे। तो डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड सेंटर होगी, तो एक तरीके से नेगेटिव कह सकता हूँ मैं उसको फिर, क्यों? देयरफॉर नेगेटिव। अब चलते हैं वैल्यू में, मैग्नीट्यूड। पहली बात, ये बताओ आउटसाइड पॉइंट पे फोर्स ऑन एम जो आता वो ये बनता, बताओ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, बताओ बता बेटा। आउटसाइड अगर कोई पॉइंट होता तो उसमें फोर्स ऑन एम ये बनता कि नहीं बनता बता जो, ये बता ना, फोर्स ऑन एम ये बनता कि नहीं बनता बता जो है। तो इसका मतलब जो ई होगा वो कितना हो जाएगा जरा बता जो है, फोर्स ऑन एम अपॉन एम, इसका मतलब ई का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया बता जो है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्यों? समझ में आई बात गोपी, बता बेटा समझ में आई? आउटसाइड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये देखा जाए तो वही है जो पॉइंट मास फॉर्मूला हो गया ना एक तरीके से, पॉइंट मास फॉर्मूला, क्यों? और बात भी सही है कि आप एक चीज देखो कि अगर मैं बाहर किसी पॉइंट पे जाता हूं तो फिर तुम्हें सॉलिड स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह लगेगा, क्यों? नहीं है। और ये ध्यान रखना आउटसाइड जो पॉइंट होगा वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। ये दूसरा, अच्छा इसमें बाय द वे वैसे एक बात बताओ, ई क्या है बेटा? ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर है ना, कैसा ग्राफ बनेगा जरा बता गोपी? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप जो है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ये हो। अब चलते हैं इनसाइड पॉइंट पे, आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, इसको जरा ध्यान से देखना। जैसे ये है, इसका मास तो एम था, हाँ ध्यान रखना आर। अब मान ले मैं यहां से आर डिस्टेंस पे जा रहा हूं,
और यहाँ पे स्मॉल एम रखता हूँ और इस पे जो फोर्स लिख रहा हूँ, तो एक बात बता, तेरे को गॉस बाबा याद आए? कुछ गॉस बाबा याद आए कि नहीं आए बेटा, ये बता जो है। याद आ गए ना कि इस पे ये केवल जो ये वाला मास है, ये फोर्स लगाएगा। क्यों? हाँ, एम इन ये फोर्स लगाएगा इस पे, बता क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो कितना होगा बता जो है, जी एम इन एम अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट है बता? याद आ रहा है ना गॉस वाला थ्योरम? याद आ रही कि नहीं बता जो ये हो गया। लेकिन मैं ई को क्या कह रहा हूं जरा बता, ई को क्या कह रहा हूं? एफ बाई एम कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये हो गया जी एम इन अपॉन आर स्क्वायर। क्यों उज्जवल बता, यस सर, ये हो गया। अब ये कितना हुआ देख, जी अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बता, एम इन को मैं कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन याद आ रही है कि नहीं आ रही है बता? बता ये कैलकुलेशन याद आ रही है कि नहीं आ रही है बता जो है, उसके अंदर जो मास है उसको मैंने लिखा एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये किया था ना हमने पिछली बार किया था। क्यों? तो फाइनली देखना ये वाला एक्सप्रेशन आ गया जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ गया। बता बता गोपी भैया बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है, जी एम अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ गया, ये कह ले बस हो गया। तो इसको मिलेगा, इसका मतलब ई का जो फॉर्मूला बन गया, ये अभी कुछ देर पहले लिखा भी तो था मैंने। हाँ, ये अभी कुछ देर पहले लिखा तो था, जी एम अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू R। अब जरा बताना ग्राफ क्या बनेगा, E वर्सेस R ग्राफ क्या बनेगा जरा बता। हाँ, अब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये बनेगा। उज्जवल बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, ठीक है ना, अब देख ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देख अभी एक जादू दिखाऊंगा तेरे को, आ जाएगा मजा। ये ई है, ये आर है, पहले तो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कहां से कहां तक बता, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, और फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का हो जाएगा। क्यों? ये हो गया। इसका एक्सप्रेशन क्या था? इसका एक्सप्रेशन था ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू 1/r2। और ये अंदर वाले का एक्सप्रेशन क्या था बता जो है, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू आर। बता मिलकर समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता। और ये जो आर इक्वल टू 0 है ये सेंटर है, और आर इक्वल टू आर क्या है, ये सरफेस है। ये तो क्लियर है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं जादू।
जादू, जादू, ये बता कि अर्थ के लिए मैंने जीडेस वर्सेस एच या डेप्थ कुछ ऐसा ग्राफ नहीं ड्रॉ किया था, बता 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 जरा, जीडेस वर्सेस एच ग्राफ ये ड्रॉ किया था कि नहीं किया था, बता जरा। ओपी जीडेस वर्सेस यस सर। ये डेप्थ ग्राफ ये ड्रॉ किया था कि नहीं किया था, बता जो है। ठीक है, ये ग्राफ था। अब ये बता, दोनों तेरे को सेम टाइप के ग्राफ नहीं दिख रहे, बता। और तेरे को याद है यहां पे डेप्थ 0 होती थी तो ये सेंटर बनता था, और यहां पे याद कर यहां पे डेप्थ भी 0 होती थी, सॉरी डेप्थ आर के इक्वल होती थी ना। यस हाँ, यहां पे डेप्थ आर के इक्वल होती थी, यहां पे डेप्थ भी 0 होती थी, हाइट भी 0 होती थी, तो ये सरफेस बनता था। तो अब जरा चेक कर, अब बता दोनों को जरा कंपेयर करके देख, दोनों को कंपेयर करके देख, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बता जो है। ठीक, और ये वाली जो वैल्यू आती है ये जी होती थी और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती थी और ये सरफेस की वैल्यू होती थी। अब बता, कोई कंफ्यूजन है, बता इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, यहां पे वैल्यू रख के देख ले, चल यहां पे तू वैल्यू रख के देख ले, चाहे तो ये वाले फॉर्मूले में रख ले या ये वाले फॉर्मूले में रख ले, किसी में भी आर इक्वल टू आर रख के देख जरा, इन दोनों में किसी में भी तू आर को कैपिटल आर रख के देखना जरा, वैल्यू कितनी आ रही है बता जो है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ रही है कि नहीं आ रही है, बता जो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी डैश हो या जी हो, ये एक्चुअल में ई ही है। क्यों ये कह रहा हूं मैं, उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया, बता बेटा जो है, कि जी डैश हो या जी हो वो अल्टीमेटली क्या है, बता जो है, ई है। बस उसमें डिफरेंस मैंने बता दी कि डिफरेंस क्या होते हैं, बस ये कह रहा। यस ठीक है, अच्छा मैं 5 to 8 आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन मैं क्योंकि जूम से क्लास हो रही है तो मेरे ख्याल से ले लूंगा, लेकिन टाइम टेबल थोड़ा तुम्हारा फ्लेक्सिबल रहेगा उस बीच, क्योंकि जहां भी मेरे को टाइम मिलेगा थोड़ा सा तो मैं क्लास ले लूंगा, तो थोड़ा व्हाट्सएप में टच में रहना, उसमें दूंगा मैसेज में। ठीक है, ओके जैसे सर। कल तुम्हारी मॉर्निंग में होगी क्लास है, 6 o'clock पे, मॉर्निंग 6 o'clock। सर 6 AM। हाँ, ओके सर। यस कर लेगा? सर। ठीक है, चलते हैं, बाकी चलो कल करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू। ओके सर, बाय।